कोरोना संकट के बीच तमिलनाडु में हुए ताजा सीरो सर्वे ने अच्छी खबर दी है। वहां 70% लोगों में कोविड से लड़ने वाली एंटीबॉडीज मिली है। पिछले बार के सीरो सर्वे के मुकाबले ये नंबर ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया कि समग्र सीरो प्रचलन 70% है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय ने गुरुवार को स्टेट वाइड क्रॉस सेक्शनल सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। इसमें तमिलनाडु के 827 क्लस्टर से 24,566 सैंपल्स लिए गए थे। सैंपल एकत्र करने का काम जुलाई से अगस्त महीने में किया गया था। एक क्लस्टर में 30 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनको किसी भी इलाके से रैंडम चुना गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि समग्र सीरो प्रचलन 70% है। वहीं विरुद्ध नगर में सीरो प्रचलन सबसे ज्यादा 84% मिला। जुलाई से अगस्त 2021 के ताजा आंकड़ों में जो 24,566 सैंपल किए गए, उनमें से 17,090 लोगों में कोविड से लड़ने वाली एंटीबॉडीज मिली है। क्या होता है सीरो सर्वे? सीरो सर्वे या फिर सेरो प्रेवलेंस अध्ययन में ये देखा जाता है कि जितने सैंपल लिए गए उनमें से कितने के अंदर वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है। बता दें कि तमिलनाडु का ये पहला सीरो सर्वे नहीं था। इससे पहले अक्टूबर से नवंबर 2020 के सीरो सर्वे में 32% में एंटीबॉडी मिली थी। फिर मार्च से अप्रैल 2021 के सीरो सर्वे में 29% में एंटीबॉडी मिली थी। फिर जुलाई में रिलीज सीरो सर्वे रिपोर्ट में 66% आबादी में कोविड एंटीबॉडी मिली थी। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।